अगर एनसी वायदा कारोबारों की बात की जाए तो आज वायदा कारोबारों के अंदर काफी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां मसालों के अंदर आज खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, तो वहीं तेलों के अंदर कुछ ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ भी दिखाई दिया है। अगर बात की जाए सरसों की, तो सरसों में आज जहां हाजिर मंडियों में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं वायदा में अब तक के कारोबार के अंदर गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरसों की अगर बात करें तो सरसों नवंबर वायदा में अब हल्की गिरावट के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से सरसों की मांग बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर बात रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की जाए तो इसमें आज हल्की खरीदारी देखने को मिली। पूरे दिन के कारोबारी सत्र के अंदर आज रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में हल्का हरा निशान आता हुआ दिखाई दिया है। कुछ एक वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं तो इसके अंदर एक खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन रिफाइंड सोयाबीन ऑयल अभी भी अपने रिकॉर्ड निचले स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन जो पिछले 2-3 दिनों से वायदे के अंदर लगातार तेजी दिखा रहा था, आज 1% तक बाजार लुढ़क चुका है। नवंबर वायदा एक्सपायरी है और इसके चलते आज इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दिसंबर वायदा में भी 0.5% के करीब गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि हाजिर मंडियों में प्राइसेस के अंदर अभी भी उठाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वायदे के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कीमतें अभी भी आगे आने वाले दिनों में तेजी की ओर जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। सोयाबीन की स्पेशली बात की जाए तो जिस तरीके से मार्केट के अंदर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, फार्मर्स अभी इन रेट के ऊपर माल नहीं बेच रहे हैं। उनको उम्मीद है कि प्राइजेस जब तक 6,000 के ऊपर बने हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्राइजेस के अंदर और बूस्टअप आता हुआ दिखाई दे। जो सोयाबीन पहले 10,000 के ऊपर कारोबार करती दिखाई दे रही थी, वैसी उम्मीदें और वैसे आकलन एक बार फिर से हाजिर मंडियों में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सोयाबीन एक बार फिर से नए रिकॉर्ड छूती हुई नजर आएगी। बहरहाल हमने पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन में अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है और अब माना जा रहा है कि ये तेजी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है, लेकिन आज का कारोबारी सत्र काफी सुस्ती भरा रहा। आज कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं हुई, ना ही देखने को मिली, और ऐसे में उम्मीद यही है कि हो सकता है कि कल का कारोबारी सत्र एक बार फिर से तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे। अभी आज एक्सपायरी भी है सभी वायदा की, इसीलिए सब कुछ एक कॉमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें कैस्टर की तो कैस्टर भी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, उसके अंदर भी आज गिरावट दर्ज की गई है, हल्की गिरावट, लेकिन गिरावट अभी भी कायम है। और जहां तक आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन की बात है तो पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर 14 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कैस्टर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें बिनोला खल, तो बिनोला खल में आज अच्छी रैली आई है। बिनोला खल में आज तेजी बनती हुई दिखाई दी है, 0.5-1.5% के आसपास की अभी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 2500 के स्तरों को आज छूने के लिए बरकरार, और अगर आज 2500 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो टेक्निकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि बिनोला खल कल एक अच्छी रैली दिखाता हुआ नजर आए। यानी कि बिनोला खल में कल की रेंज जो बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर 2500 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो 2560 से लेकर 2600 तक मार्केट आने वाले कुछ दिनों में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात मसालों की जाए तो मसालों में धनिया आज ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, धनिया के अंदर गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। लगातार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली एक्सपायरी है आज, इसलिए 2% की गिरावट दिसंबर वायदा में देखने को मिल रही है। वहीं जनवरी वायदा भी 2% से ज्यादा लुढ़क चुका है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाजिर मंडियों में मांग निकल रही है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि 8800 से लेकर 9000 का स्तर धनिया छूटा हुआ दिखाई दे सकता है। धनिया के साथ साथ जीरे में भी जो तेजी थी वो आज आती हुई दिखाई दी है। नवंबर वायदा अच्छी खासी तेजी, लेकिन दिसंबर वायदा हल्के लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जीरा आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जीरे के साथ साथ अगर नजर डालें हल्दी पर, तो हल्दी के अंदर भी आज ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली, 2% की गिरावट, जबरदस्त गिरावट आज हल्दी में देखने को मिली है। मसालों के ओवरऑल पैक की बात करें तो आज हल्दी सबसे ज्यादा लुढ़कती हुई दिखाई दी है, 150 अंकों की गिरावट दिसंबर वायदा में आती हुई दिखाई दी है, जबकि 90 अंकों के आसपास अप्रैल वायदा में भी गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मसालों में फिलहाल खरीदारी से बचना चाहिए। एक धनिया और जीरा, ये दोनों कॉमोडिटी ऐसी हो सकती है जो निचले स्तरों पर वापस से स्टैंड लेती हुई नजर आए और एक बार फिर से खरीदारी इसमें लौटती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर बात करें ग्वार की,
अब तक की सबसे हॉट बन रही कॉमोडिटी आज ऊपरी स्तरों से लुढ़कती हुई दिखाई दी है। आज ग्वार के अंदर जबरदस्त गिरावट आती हुई एक बार फिर से दिखाई दी है। ग्वार अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, 1% के आसपास करंट वायदा लुढ़का हुआ है, जबकि दिसंबर वायदा 3% से ज्यादा की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार सीड भी 3-4% के आसपास लुढ़क चुका है, यानी नीचे के सर्किट आज ग्वार के अंदर दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि ग्वार जो है निचले स्तरों पर सपोर्ट ले सकती है, लेकिन फिलहाल आज जबरदस्त गिरावट एक्सपायरी है। इस वजह से बाजारों में अच्छी खासी सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं इन लेवल्स के ऊपर और उम्मीद की जा रही है कि अभी प्राइजेस और डाउनसाइड में जा सकते हैं। कल की जो शुरुआत होगी, कल अगर देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा है और उसके चलते कल बाजार जो है वो बंद रहेंगे, लेकिन सोमवार को जब वायदा खुलेगा तो वायदा में एक खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है। तो यानी आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है जिस दिन ट्रेडिंग होती हुई हम देख रहे हैं वायदा के अंदर, लेकिन सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो एक बार फिर से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। आज एक्सपायरी भी है और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, इसीलिए अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली सभी एग्री कमोडिटीज में हावी होते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते ग्वार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वार के साथ साथ हल्दी में भी गिरावट शानदार देखने को मिल रही है, सोयाबीन भी 1% लुढ़क चुका है, यानी सभी एग्री कमोडिटीज ज्यादातर लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जो बाजारों का ट्रेंड है वो नेगेटिव है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जब अगले हफ्ते बाजार खुलेंगे तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी कमोडिटीज हो सकती हैं जो आपको मुनाफा दे सकती हैं? तो आज के कारोबारी सत्र की अगर हम बात करें तो आज बिनोला खल के अंदर खरीदारी अगर करके चला जाए तो हफ्ते के अगले हफ्ता जब शुरू होगा उस हफ्ते के अंदर आपको इसमें तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी बिनोला खल अगले हफ्ते तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। बिनोला खल के साथ साथ धनिये के अंदर भी खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है। जो धनिया 2% लुढ़क चुका है इसमें भी खरीदारी करके चला जा सकता है अगले हफ्ते के लिए, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते में धनिये के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है।